हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट हमारे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, डिप्लोमा में, डिग्री में, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, या पोस्ट ग्रेजुएशन में, किसी भी कोर्स में जिसमें कि असाइनमेंट सबमिशन होता है, उसके अंदर अभी एक छोटी सी कन्फ्यूज़न फैली हुई है। कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न ये है कि जब लॉकडाउन का पीरियड था, तो लॉकडाउन के पीरियड में क्या हुआ था कि सारे असाइनमेंट हम बना लेते थे, बनाने के बाद में उसको स्कैन करके इंदिरा गांधी, जो हमारी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम उसको अपलोड कर देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन कई राज्यों में खुल गया है, कई राज्यों में अभी लगा हुआ है, कई राज्यों में आंशिक लगा हुआ है, कई राज्यों में फिर से लग जा रहा है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो बच्चे ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि भाई हमारा असाइनमेंट ऑफलाइन जाएगा कि दोबारा से ऑनलाइन जाएगा, या किस तरीके से जाएगा, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना करके इस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा दूर किया जाए। तो अब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, क्योंकि एक एक सेंटर का बताना, क्योंकि भारत में हजारों की संख्या में सेंटर हैं, ठीक है, पूरे भारत में, अक्रॉस द इंडिया, इवन इग्नू के सेंटर फॉरेन के अंदर भी हैं। तो एक एक सेंटर का बताना कि इसका ऑफलाइन है, इसका ऑनलाइन है, ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आपको ये बता दिया जाए कि आप किस तरह से इग्नू की वेबसाइट के ऊपर जा करके और वहां पर ये चेक कर सकते हैं कि जिस भी सेंटर में आप इनरोल्ड हैं, उस सेंटर के अंदर में आपका जो असाइनमेंट है वो ऑफलाइन जाने वाला है या ऑनलाइन जाने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम उसको समझते हैं और आप बड़े आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपका असाइनमेंट किस तरीके से जाने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल कोर्सोलॉजी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, सी टेट, यूपी टेट, हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो करना क्या है कि सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर जाना है, और गूगल के ऊपर जाने के बाद अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो आप इसको डेस्कटॉप मोड पे कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, गूगल को। तो डेस्कटॉप मोड पे कन्वर्ट हो गया। देखिए अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको इग्नू टाइप करना है गूगल के ऊपर, ठीक है। तो इग्नू आप टाइप कर दीजिए। इग्नू टाइप करने के बाद में जो इग्नू की वेबसाइट खुलेगी उसके पहले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपको इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की होम पेज खुल जाएगा। तो होम पेज खुलने के बाद में आपको रीजनल नेटवर्क के ऊपर जाना है, और आपको इसके अंदर रीजनल सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये इसका पेज खुल जाएगा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा है रीजनल सेंटर वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये खुल जाएगा और हर सिटी का खुल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिल्ली टू का करके दिखाता हूँ कि दिल्ली टू का कहते हैं, हर हर शहर का ऐसा ही होगा, आपको जिस भी शहर का करना हो आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए दिल्ली टू का करके दिखाते हैं, और मैं हर पेज का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दिल्ली टू के ऊपर हम क्लिक करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए दिल्ली टू, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर लिया तो ये दिल्ली टू का रीजनल सेंटर का इग्नू का वेबसाइट खुल चुका है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि इसके अंदर आपको जाना है न्यूज़ एंड इवेंट का, जो देख रहे हैं आप कॉलम, ये देखिए न्यूज़ एंड इवेंट का कॉलम है, यहाँ पर जा करके आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है न्यूज़ एंड इवेंट्स पे। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये अब क्लिक करने के बाद में हम आ गए हैं, और ये देखिए सेकेंड लिंक जो लिखा है, इंफॉर्मेशन जो लिखा हुआ है, असाइनमेंट जून 2021, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट जून 2021, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो इसके ऊपर आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद में ये आपका लिंक खुल गया है, तो लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा या ओपन करने के लिए बोलेगा, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसे पीडीएफ रीडर के साथ इसको खोल लीजिए। और खोलने के बाद में आपको इसके अंदर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट या जो भी आपने शहर सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से वो पूरी लिस्ट खुल जाएगी जो भी उसके अंदर इनरोल्ड होंगे, और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको असाइनमेंट
अपने सेंटर का ऑफलाइन सबमिट करना है या ऑनलाइन सबमिट करना है। ठीक है, देखिए इसके ऊपर सब पे लिखा हुआ है कि आपको बाय हैंड लेके आना है या फिर ऑनलाइन जो है वैसे सबमिट करना है। तो इस हिसाब से आप अपने सेंटर को देख पाएंगे और देखिए कितना इजी प्रोसेस है जिसके द्वारा आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है और आप इस तरीके से देख करके और फटाफट आप अपने असाइनमेंट बना करके चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो वेबसाइट के ऊपर जा करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरीके से आप इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए कि आप अपने असाइनमेंट को किस तरीके से सबमिट कर पाएंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड असाइनमेंट से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड, या कोई भी इंफॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।